मैं नीतीश कुमार सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। नीतीश कुमार यांनी पुन्हा एकदा बिहारचे मुख्यमंत्री म्हणून शपथ घेतली। रविवारी बिहारचे राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यांनी नीतीश कुमार यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली आणि नव्यांदा बिहारचे मुख्यमंत्री होण्याचा विक्रम त्यांनी आपल्या नावावर नोंदवला। मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यापूर्वी नीतीश कुमारांनी लालू प्रसाद यादव आणि काँग्रेसच्या महागठबंधनशी काडीमोड घेत राज्यपालांकडे राजीनामा सोपवला होता। अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन डेढ़ महीना से बनाए थे, डेढ़ साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है, और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा है। महागठबंधनशी फारकत घेतल्यानंतर भाजपनं नीतीश कुमारांना पाठिंबा जाहीर केला आणि बिहारमध्ये पुन्हा एकदा सत्तांतर झालं। देखिए, सारे काम हमने तो उनसे कई बार नेता प्रतिपक्ष के नाते पूछा कि जो एनडीए के समय में प्रारंभ हुआ था उससे हट करके आपके रीजन में कोई नया विजन, कोई नई योजना, कोई नए कार्य है तो बता दे। ये जितने भी गिना रहे हैं वो तो मेरे रीजन के अंदर है, आपका क्या भी जनता। विशेष म्हणजे नीतीश कुमार यांच्या मंत्रिमंडळात भाजपच्या दोन उपमुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे। नीतीश कुमारांच्या या भूमिकेवरून चांगलंच राजकारण रंगलंय। आरजे नेत्यांनी नीतीश कुमारांवर सडकून टीका केली आहे। अभी खेल शुरू हुई है, अभी खेल बाकी है, और मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, और आप लिख के ले लीजिए, जनता दल यूनाइटेड जो पार्टी है 2024 में ही खत्म हो जाएगी। पूरे देश की जनता उन्हें देख के आज एक तरह से पिछले चार दिन से हर घर का एक चुटकुला सा हो गया। नीतीश कुमार जी एक अच्छा करियर, बहुत अच्छा इतिहास में उनका नाम दर्ज हो सकता था, लेकिन आप सोचिए कि अब किस स्थिति में वो ले आए। घर घर की एक तरह से हंसी का वो पात्र बन रहे हैं। अब वो उनकी इच्छा, वो हंसी का पात्र बनना चाहते हैं। नीतीश कुमार यांच्या राजकीय प्रवासावर नजर टाकली तर जवळपास 24 वर्षांच्या राजकीय कालखंडात त्यांनी कधी भाजप तर कधी लालू प्रसाद यादव यांच्या आरजेडीशी हातमिळवणी करून सत्ता सोपान गाठलं। त्यांच्या या धरसोडीच्या भूमिकेमुळेच त्यांच्यावर संधी साधू राजकारणी असा शिक्का बसला। काही महिन्यांपूर्वीच त्यांनी देशात भाजप विरोधकांची इंडिया आघाडीच्या माध्यमातून मोठ बांधण्याकरता पुढाकार घेतला होता, मात्र इंडिया आघाडीचं निमंत्रक पद न मिळाल्यामुळं नीतीश कुमार नाराज असल्याच्या चर्चा रंगल्या होत्या। आता त्यांच्या एनडीएतील प्रवेशामुळे इंडिया आघाडीला धक्का बसलाय। ब्युरो रिपोर्ट, न्यूज 18, लोकमत।